झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति जल्द होगी लागू। यूजीसी ने सभी कुलपतियों को दिए निर्देश। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की एक दिवसीय सेमी वर्चुअल बैठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित पार्टी के कई नेता होंगे शामिल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी बैठक। रांची के चान्हो में उग्र भीड़ ने गिरा दी एकलव्य विद्यालय की बाउंड्री, पुलिस बनी रही मुखदर्शक। अमेजोन की बात, अब फ्लिपकार्ट पर भी मिलेंगे पलाश के प्रोडक्ट्स, ग्रामीण महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी। बोकारो के कसमान में दो वाहनों की टक्कर, जामतारा के नारायणपुर सीओ सहित चार घायल, सीओ रिम्स रेफर। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार रांची का प्रदर्शन काफी खराब, पिछले साल स्वच्छ शहरों की सूची में रांची 30वें स्थान पर थी, इस बार रांची खिसक कर 38वें स्थान पर पहुंच गई है। रांची पुलिस ने पिठोरिया के सांगा गांव में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। पुलिस ने जिला परिषद के सदस्य हकीम अंसारी के भाई फारूक अंसारी और जुगल लोहरा को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर शहर ने कोरोना टीकाकरण अभियान में किया बेहतरीन प्रदर्शन, राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए जमशेदपुर को किया गया सम्मानित। झारखंड सरकार के मिड डे मील के 100 करोड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के खाते में ट्रांसफर केस की जांच शुरू, ईडी ने कसा शिकंजा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।